ना ना। चाहे सलमान खान हो और चाहे कोई आम इंसान हो कोई भी अब मुंबई और महाराष्ट्र में सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है आपने देखा कि पिछले दिनों मुंबई में गोलीबारी हुई डोंबीवली में एक विधायक ने गोलीबारी कर दी आज सुबह सुबह सलमान खान के घर के बाहर गोलीबारी हो गई एक कैसी कानून व्यवस्था है गृह मंत्री मुख्यमंत्री आप कहाँ हैं अगर सलमान खान जैसे हाई प्रोफाइल हाई सुरक्षा में जो कवर हैं वो लोग सुरक्षित नहीं है उनके घर के आसपास गोलीबारी हो रही है तो इसका मतलब अपराधियों को किसी बात का डर नहीं है अपराधी बेखौफ होके घूम रहे हैं वो भी मुंबई से शहर में दुर्भाग्यपूर्ण है गृहमंत्री जी मुख्यमंत्री जी को इस घटना का संज्ञान लेना चाहिए सलमान खान हो चाहे कोई आम इंसान हो किसी के भी घर के बाहर गोलीबारी नहीं होनी चाहिए लेकिन यह सरकार चूंकि अब दूसरे चीजों में ज्यादा व्यस्त रहती है कानून व्यवस्था पर इसका ध्यान नहीं रहता तो आए दिन अब मुंबई में और महाराष्ट्र में गोलीबारी की जो घटनाएं आ रही हैं ऐसा पहले कभी मुंबई और महाराष्ट्र नहीं होता था मुंबई और महाराष्ट्र के लोग उदाहरण देते थे यहां की शांति यहां के कानून व्यवस्था के बारे में लोग चर्चा करते थे वह दिन हमें वापस लाने होंगे और ये जो सरकार इस समय सत्ता में बैठी है उसको जवाबदेही करनी होगी जनता के प्रति जिम्मेदारी लेनी होगी लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखना होगा इन सब चीजों पर ध्यान न देकर केवल विरोधियों को और विपक्ष के लोगों को खत्म करने का यह सरकार प्लानिंग करती है दुर्भाग्यपूर्ण है